फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी शेफ शेफ कंचन। चलिए आज कुछ बनाते हैं इंटरेस्टिंग। बनाने जा रहे हैं ओरियो ब्राउनी, जो कि जैसे कि आपको पता है आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल में आपको जल्दी ही कुछ क्विक रेसिपी जो इजी हो वो बनकर रेडी हो जाए, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ओरियो ब्राउनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी रेसिपी है। ओनली 4 इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होंगे, एंड झटपट आप इसको बना कर इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अच्छी लगी तो ये रेसिपी तो शेयर ज़रूर करना इसको। ओरियो ब्राउनी बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे पहले 12 बिस्किट ओरियो के। उनको हम ग्राइंड करेंगे मिक्सर में। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो कुकीज़ थे वो ग्राइंड हो चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हो। इनको हम निकाल लेंगे साइड में। इसी तरह से हमने सारी कुकीज़ को ग्राइंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने ली है 40 ग्राम चॉकलेट, मतलब कंपाउंड ओरिजिनल चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हो। ओरिजिनल चॉकलेट को आपको टेम्पर करना होगा। इसको मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मैंने लिया है 1/4 और 1/8, 1/4 कप प्लस 1/8 कप मिल्क लिया है। इसके बाद और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, तो 4 से 1 भी ज़्यादा नहीं। तो दैट्स इट, हम इतना ही यूज़ करेंगे और हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं चाहिए, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी झटपट ब्राउनी बनके रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने जो केक टिन रेडी किया है, अब हम इसमें इसको बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे और हम बेक करेंगे इसको 180 पे 20 मिनट्स के लिए। ये केक टिन रेडी किया है मैंने। नानी क्यों बेक करेंगे 180 पे 15 to 20 मिनट्स। अभी हम इसको बेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्राउनी बेक हो चुकी है। इसको लगभग 15 मिनट लगे इसको बेक होने में, तो इसको ओवर बेक मत करिएगा। इसको ठंडा होने देते हैं, देन कट करके इसको देखते हैं कैसी बनी हमारी ब्राउनी। सो फ्रेंड्स, इसको कट करके देखते हैं, ब्राउनी को कट करते हैं। ठंडा हो चुका है। ये ऊपर से कुकीज़ क्रम है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्राउनी बनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्राउनी बनी है, कि बहुत सॉफ्ट है।